जो बैक स्लैश है इट इज़ एन एस्केप करेक्टर, और अगर जब भी बैक स्लैश एन जो एस्केप करेक्टर है उसको हम किसी भी स्पेशल अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ अगर हम जोड़ते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग अलहदा से बन जाता है। जैसे कि अगर हम इसके साथ एन को जोड़ेंगे विदाउट एनी स्पेस तो इट मीन न्यू लाइन, मतलब जब आपका वेलकम नोट आएगा वेलकम टू सी प्लस प्लस तो ये लाइन एक्सक्लेमेशन मार्क पर ख़त्म होगी स्क्रीन पे, लेकिन जो कर्सर है जो कि ब्लिंक कर रहा होता है वो किधर मूव कर देगा, न्यू लाइन के स्टार्ट पे। और अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो कर्सर फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के आगे ही ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। इट्स लाइक के जैसे आप वर्ड पे लिख रहे होते हैं तो जैसे जैसे आप सेंटेंस उसमें एंटर करते जाते हैं तो आगे जो कर्सर वो ब्लिंक कर रहा होता है, तो सेम एज इट इज़ जब आउटपुट आएगी उसमें भी ये कर्सर जो है ब्लिंक करता है। तो चूंकि हमें हर स्टेटमेंट के बाद अगली स्टेटमेंट नई लाइन पे ही चाहिए होती है तो इसलिए हम हर स्टेटमेंट के बाद बैक स्लैश एन को यूज़ करते हैं, और अगर हमें उससे आगे फर्दर जो भी प्रोसेसिंग या जो भी प्रोग्राम की आउटपुट्स हैं वो हमें न्यू लाइन पे नहीं चाहिए तो फिर हम इसको ओमिट कर देते हैं। अभी के लिए याद रखें कि ये जो एस्केप करेक्टर है जब ये स्पेशल किसी अल्फ़ाबेट के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, एस्केप सीक्वेंस, जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। अब ये एस्केप सीक्वेंस जो हैं ये कौन कौन से हैं और कितने हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, दीज आर ओनली 7। चलो मैं पहले सीक्वेंस लिखता हूँ तो उनकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट इज बैक स्लैश एन जो कि आपको बताया कि न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, कर्सर को अगर न्यू लाइन में शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट इज बैक स्लैश टी, टी फॉर टैब, तो ये अगर आपने कोई भी सेंटेंस के अंदर जिस तरह वर्ड की फाइल के अंदर हम टैब लगाते हैं इस तरह सी प्लस प्लस की लाइन के अंदर बजाय हम खुद से स्पेसेस एंटर करें, हमने अगर उसके अंदर टैब स्पेस डालनी है तो हम बैक स्लैश टी यूज़ करें। इसी तरह बैक स्लैश आर है कैरेज रिटर्न, ये क्या करेगा, बजाय ये कर्सर को न्यू लाइन में शिफ्ट करे ये कर्सर को उसी लाइन के स्टार्ट में शिफ्ट कर देगा। मीन जो बाकी सारा डाटा है वो वेलकम टू सी प्लस प्लस के पहले से प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी, वेलकम टू सी प्लस प्लस आगे चलता जाएगा। इसी तरह बैक स्लैश ए है ये एक जो अलर्ट के लिए यूज़ होता है, जिस तरह अक्सर कभी अगर आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे थे तो बैल की आवाज़ आती है अगर आप कोई गलत कोड या गलत कोई चीज़ प्रेस करते हैं तो ये अलार्म के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली अगर आपने इसके अंदर ही कोई बैक स्लैश यूज़ करना है, जैसे मैंने लिखना है ए बैक स्लैश बी स्टेटमेंट के अंदर, अब बैक स्लैश तो एस्केप सीक्वेंस है एस्केप करेक्टर है तो इसलिए फिर हमें दो बैक स्लैशेज लगानी पड़ेंगी। इसी तरह इसके अंदर अगर हमने डबल कोटेशन को यूज़ करना है तो उसके लिए भी वो तो डबल कोटेशन तो हमेशा स्ट्रिंग के स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए एज ए सिंबल यूज़ होता है, तो अगर आपने कहीं सेंटर में डबल कोटेशन को यूज़ करना है तो फिर आपको बैक स्लैश डबल कोटेशन लगानी पड़ेगी, एंड सिमिलरली सिंगल कोट के लिए भी आपको बैक स्लैश सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। तो ये जो एस्केप सीक्वेंस है इसको आपने ध्यान में रखना है, ज़्यादातर जो है बैक स्लैश एन यूज़ होगा हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, या फिर मतलब दीज 3-1 टैब भी कभी कभी यूज़ हो जाएगा, अलार्म बेल की हमें ज़रूरत नहीं है ना ही हमें रिटर्निंग जो कैरिज है उसकी ज़रूरत है, लेकिन स्टिल हमें एज ए पता होना चाहिए कि व्हाट आर ऑल द टाइप्स। तो अब हमें पता चल गया कि जो हमारा वेलकम टू सी प्लस प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क है ये स्क्रीन पर प्रिंट होगा, और जो बैक स्लैश एन है ये इसका एक मीनिंग होगा जिसकी वजह से जो कर्सर है वो हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर उसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देगा। ओके लास्ट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बल्कि लास्ट भी कह सकते हैं, इट इज़ अ रिटर्न 0। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका एक जो सिंपल मीनिंग है वो ये है कि भाई अब जो भी आपने फंक्शन इधर लिखा हुआ है वो एग्जिट होने वाला है और जो भी उसने चीज़ें करनी थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई हुई हैं। 0 जो लाइन है ये ऑफ के लिए यूज़ होता है, जैसे अक्सर आपने ऑन ऑफ का या बाइनरी डिजिट देखे हैं तो 1 फॉर ऑन 0 फॉर ऑफ, तो ये यहाँ पर ये बता रहा है कि प्रोग्राम जो है वो अच्छी तरह एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली एंड यू हैव टू नो पैकेट या क्लोज इट। ज़्यादातर तो अब जो है हम ये रिटर्न 0 की जो कमांड है इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक जैसे ही आपकी कर्ली ब्रैकेट लग जाएगी
तो दैट मीन के प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया है, जो फंक्शन की बॉडी है वो ख़त्म हो गई है एंड इट्स फाइन। तो इसलिए जो रिटर्निंग ज़ीरो है ये अब हम नेक्स्ट कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट ये बताने के लिए था। सी के अंदर ये यूज़ होती थी लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर अब हम इसे नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसका ऑटोमेटिकली जो मीनिंग है वो कंपाइलर जब खुद ही पिक कर लेता है तो फिर हमें लिखने की क्या ज़रूरत है। सो इसलिए नेक्स्ट आप मेरी जो कोडिंग है उसके अंदर कभी भी आप रिटर्न ज़ीरो को नहीं देखेंगे। एंड लास्ट में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है जो कि प्रोग्राम की बॉडी है, जब आपने स्टार्ट की है तो उसे एंड करना ज़रूरी है। ओके दिस इज़ ऑल। एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम के मेन कंपोनेंट्स आपको बता दिए मैंने, और इसके अंदर जो जो मेन बातें आपने याद रखनी है ड्यूरिंग कोडिंग उसका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे जो कि यही प्रोग्राम है, इसको अब हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर लिखेंगे, और लेट्स सी जब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं तो वो कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो पहले तो ये है कि आपको प्रोग्राम के थोड़ा सा जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ थोड़ा सा आपको यूज टू किया जाएगा, जितना हमने यूज़ करना है उतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट फिर उसमें मज़ीद देखते हैं चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच।